हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम जून 2018 का पेपर टू मैनेजमेंट का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जून 2018 में आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71 का क्वेश्चन है कि जो बदली वर्कमैन होते हैं इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन द प्लेस ऑफ अनदर वर्कमैन हुज नेम इज बॉर्न ऑन मस्टर रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज करेक्ट। ठीक है, बदली वर्कमैन सीजेस टू बी रिगार्डेड एज सच इफ ही हैज कंप्लीटेड 3 months सर्विस इन द एस्टेब्लिशमेंट। दिस इज रॉन्ग। बदली वर्कमैन इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन द प्लेस ऑफ अनदर वर्कमैन हुज नेम इज बॉर्न ऑन मस्टर रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज को डिटर्मिनेशन। को डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? आता है कोडिटर्मिनेशन का मतलब? कोडिटर्मिनेशन कहां पर यूज होता है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में यूज होता है। कोडिटर्मिनेशन कहां पर यूज होता है? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट, एम्प्लॉय लीजिंग इज एन कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट इन विच द लीजिंग कंपनी इज कॉल्ड द प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एम्प्लॉय लीजिंग क्या है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जिसमें जो लीजिंग कंपनी है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन, पीईओ। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉय लीजिंग एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है जिसमें लीजिंग कंपनी को हम क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who among the following relatives of a deceased insured person is not dependent under the Employee Sale Insurance Act 1948? बताओ कौन सा deceased insured person is not dependent under the ESI 1948? बताओ। Who among the following relatives? कौन सा relatives? इसमें जो deceased insured person है is not dependent under the ESI Act 1948? Widow, widow mother या widow daughter-in-law या legitimate son who has attained the age of 25? This is the answer। मतलब कि जो legitimate son है, 25 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुका है, जो legitimate son है वो इसके अंदर नहीं आएगा। मतलब कि ESI 1948 Employee State Insurance Act 1948 के अंदर जो मतलब डिसीज मतलब मर गया है बंदा, उस व्यक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा रिलेटिव इसके ऊपर डिपेंड नहीं है? मतलब उनकी विडो या उनकी विडो मदर या विडो डॉटर इन लॉ या 25 इयर्स जो वो कंप्लीट कर चुका है वो इसके अंदर नहीं आएगा, बाकी सभी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं 75 का क्वेश्चन। वन ऑफ द ट्रेंड टू बिल्ड ए सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर इनोवेशन एंड द इनोवेशन मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये तो ठीक है कि एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आर इनोवेशन एंड द इनोवेशन मैनेजमेंट। Human resource management has to be able to connect innovation with the traditional change management to design a true powerful weapon against the competition in the market. ठीक है, human resource management भी क्या connect करता है innovation को किससे? Traditional change management से, जिसमें हम true design करते हैं, true powerful weapon है against the competitor in the market. ठीक है, R is correct. और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? इनोवेशन एंड द इनोवेशन मैनेजमेंट। ए और आर दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ द हॉट स्टोव रूल। कौन सा इसमें से हॉट स्टोव रूल का प्रिंसिपल नहीं है? प्रायर मतलब कि पहले से वार्निंग दे देना, इमीडिएट रिस्पॉन्स या कंसिस्टेंट एक्शन, ये सारे के सारे तो इसके प्रिंसिपल है। हॉट स्टोव रूल मतलब गरम गरम हॉट स्टोव रूल, मतलब इमीडिएट मतलब उसी टाइम से रिस्पॉन्स दे दिया, गरम का गरम पे मारा, कंसिस्टेंट उसी टाइम एक्शन ले लिया और पहले ही वार्निंग दे दी, ये क्या है? हॉट स्टोव रूल। लेकिन जो पर्सनल अप्रोच है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट,
इंडिया के अंदर जो ट्राइपार्टी बॉडीज है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, वो बिगेन हुई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन? ट्राइपार्टीज बॉडीज है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, वो किसकी रिकमेंडेशन से स्टार्ट हुई थी? वो वाइटले कमीशन की वजह से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 78 का क्वेश्चन है कि जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज की, जिसके अंदर इंक्लूड है द वे इन विच ब्रांड अटेम्प्ट टू मीट द कस्टमर साइकोलॉजिकल और सोशल नीड, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रांड इमेजरी। ठीक है, ब्रांड इमेजरी के अंदर क्या आते हैं कि जो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट और सर्विसेज की, जिसके अंदर इंक्लूड करते हैं द वे जिसमें ब्रांड मीट करता है कस्टमर की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रांड इमेजरी। ये इसके सारे के सारे मैं बेसिक क्लियर करवाऊंगी, ब्रांड जजमेंट, ब्रांड रिजोनेंस, ब्रांड परफॉर्मेंस और ब्रांड इमेजरी में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ब्रांड इमेजरी आप ध्यान रखना है जिसमें कि कस्टमर की साइकोलॉजिकल और सोशल नीड को मिला जाता है जिससे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? रियल नीड ऑफ ए कस्टमर। रियल नीड का मतलब क्या होता है कि जब कस्टमर वॉन्ट ए कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? रियल नीड ऑफ ए कस्टमर। कंज्यूमर वॉन्ट ए कार हुज ऑपरेटिंग कॉस्ट नॉट इनिशियल प्राइस इज लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 80 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फिर मार्केटिंग से थे। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रिलेट होती है फंक्शन ऑफ द मार्केट चैनल मेंबर, इंडिकेट द स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। अब हमें बताना है कि जो चैनल मेंबर है वो डू नॉट गैदर द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल करंट कस्टमर कंपटीटर एंड अदर एक्टर एंड फोर्सेस इन द मार्केट एनवायरमेंट। ये तो रॉन्ग है। चैनल मेंबर एक्वायर करते हैं फंड टू द फाइनेंस इन्वेंटरी एट डिफरेंट लेवल इन द मार्केटिंग चैनल। चैनल मेंबर क्या करते हैं? फंड एक्वायर करते हैं किससे? फाइनेंस इन्वेंटरी से, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर मार्केटिंग चैनल से। ठीक है, ये 80 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एट्रीब्यूट है एडवर्टाइजिंग का रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट कॉल फॉर स्पेंडिंग ऑल द एडवर्टाइजिंग बजट इन ए सिंगल पीरियड, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन एट्रीब्यूट ऑफ द एडवर्टाइजिंग। मतलब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ और उसने स्पेंड कर दिया सारा का सारा बजट सिंगल पीरियड के अंदर ही एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो ये क्या है? कंसंट्रेशन एट्रीब्यूट। ठीक है, सारा कंसंट्रेशन वहीं पे चला गया। कंपनी को मेजर करना चाहिए प्रॉफिटेबिलिटी देयर प्रोडक्ट टेरिटरी कस्टमर ग्रुप सेगमेंट ट्रेड चैनल और ऑर्डर साइज, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ये तो ठीक है, कंपनी मेजर करती है प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट की, टेरिटरीज कस्टमर का ग्रुप सेगमेंट ट्रेड चैनल और ऑर्डर साइज, और मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प कंपनी डिटरमाइन वेदर टू एक्सपेंड रिड्यूस और एलिमिनेट एनी प्रोडक्ट और मार्केट एक्टिविटी टू इंश्योर द प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल। ठीक है, ए और आर दोनों करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, 83 का क्वेश्चन है, कौन सा टाइप्स है स्टोर रिटेलर का जिसमें लार्ज लो कॉस्ट लो मार्जिन हाई वॉल्यूम सेल्फ सर्विस स्टोर एट्रीब्यूट आर डिजाइन्ड टू मीट द टोटल नीड फॉर फूड एंड द हाउस होल्ड प्रोडक्ट, किसके अंदर मिल जाते हैं? सुपरमार्केट में ये सब मिल जाता है। 84 का क्वेश्चन है हमारे पास, कस्टमर पार्टनरिंग अनकवरिंग ब्रॉडनिंग और बेंचमार्किंग। ठीक है, अब सबसे पहले तो बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है? जब हम बेस्ट प्रैक्टिस कंपनी में इंप्रूव करते हैं, हम बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? बेंचमार्किंग। ठीक है, ब्रॉडनिंग का मतलब क्या होता है? फैक्टरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर एम्प्लॉय शेयर होल्डर एंड अदर स्टेक होल्डर इन टू द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस, दैट इज द ब्रॉडनिंग। एंड अनकवरिंग मतलब हम डेटा माइनिंग का यूज कर रहे हैं, अदर एनालिटिकल मेथड्स का यूज कर रहे हैं कि डेवलप हो डीप इनसाइट इनटू द कस्टमर एंड हाउ दे बिहेव, दैट इज द अनकवरिंग। ठीक है, एंड कस्टमर पार्टनरिंग का मतलब क्या होता है कि वर्कर मोर क्लोजली विद द कस्टमर टू एड देयर वैल्यू टू देयर ऑपरेशन, दैट इज द कस्टमर पार्टनर। कस्टमर मतलब पार्टनर कब हुआ? जब वर्किंग है वो ज्यादा क्लोजली होगी है किसके साथ? कस्टमर के साथ।
तो कस्टमर पार्टनर बन गया और उन्होंने वैल्यू डाल दी ऑपरेशंस में। अनकवरिंग में क्या होता है, अनकवरिंग में हम डेटा माइनिंग का यूज कर रहे हैं या अदर एनालिटिकल मेथड का यूज कर रहे हैं कि डेवलप हो डीप इनसाइट इनटू द कस्टमर और हाउ दे बिहेव और वो कैसे बिहेव करते हैं, दैट इज द अनकवरिंग। ठीक है, इसमें हम किसका यूज करते हैं, डेटा माइनिंग का और अदर एनालिटिकल मेथड का, जिसमें हम डेवलप करते हैं डीप इनसाइट इनटू द कस्टमर एंड हाउ दे बिहेव। ब्रॉडनिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर और अदर स्टेक होल्डर इनटू द एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। बेंचमार्किंग में हम बेस्ट प्रैक्टिस कंपनीज के देखते हैं जैसे कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, एक जो फर्म है वो अर्न करती है इन्वेस्टमेंट, अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है उसका 20% एंड अर्निंग पर शेयर कितनी है 15 रुपीज एंड पे आउट रेशियो कितना है 50%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%। तो मार्केट प्राइस पर शेयर बताओ वॉल्टर मॉडल के अकॉर्डिंग, अभी मैंने पीछे हमारा वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला आया हुआ था, पी जीरो इज इक्वल टू डी अपॉन के प्लस में, ये हमने किया था आपको याद है वॉल्टर मॉडल का, वॉल्टर मॉडल का जब हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला आया था। कौन सा क्वेश्चन था अभी मैं देख के बताती हूँ आपको, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था, हमने पीछे अभी किया है 27 का। ठीक है, जिसमें 27 का क्वेश्चन देखना, पी जीरो जिसमें वॉल्टर मॉडल का फॉर्मूला पूछ रखा है, पी जीरो किसके इक्वल होता है डी अपॉन के प्लस में आर अपॉन के ई माइनस डी अपॉन के, उसके अंदर आपको ये पुट करना है। ठीक है, 27 का क्वेश्चन देख लेना, उसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार मैं भी बता देती हूँ, कॉपी पेन नोट कर लो, डी का मतलब कितना है इसमें, फिफ्टी प्लस में 20 अपॉन 12, 15 माइनस 0.5 अपॉन 12, तो वॉल्टर मॉडल के थ्रू सोल्व कर लेना, 166.67 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है 2:1, वो क्या इंडिकेट करती है, एवरी वन यूनिट ऑफ इक्विटी द कंपनी हैज रेज 2 यूनिट ऑफ डेब्ट, ये ठीक है। ठीक है जी, जो कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग है इक्विटी इश्यू की वो लेसर है देन द कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग ऑफ ए डेब्ट, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 तक के क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, 87 का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स सरप्लस कवर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट ऑफ द टर्म लोन, कितने नंबर ऑफ टाइम्स में जो सरप्लस कवर कर रही है इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन, उसको हम बोलते हैं डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, ऑथराइज कैपिटल है कंपनी की 5 लाख एंड 40% क्या है पेड अप है एंड लोन इनक्योर्ड ड्यूरिंग ईयर इज द 50,000, लोन कितना है 50,000 है एंड नेक्स्ट, इसमें जो एक्यूमुलेटेड लॉस है वो लास्ट 2 ईयर से कितना हो रहा है 2 लाख हो रहा है, तो आपको कंपनी हैज ए टेनिजेबल नेट वर्थ बतानी है, निकाल दोगे, इजी सा क्वेश्चन है। देखो हमारे पास कितना दे रखा है 5 लाख दे रखा है, तो 5 लाख का पहले 40% निकालो, कितना आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा। ठीक है, 2 लाख में से अब आपको उसमें आपको कितना दे रखा है कि 5 लाख उसकी कैपिटल थी, उसमें से 40% पेड अप हो गया, तो कितना बच गया, 5 में से 2 गया 3 लाख बच गया, 3 लाख में से जब आप 50,000 जो उसका लॉस हो रहा था वो आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 2,50,000 और एक्युमुलेटेड लॉस कितना हो रहा है 2 लाख, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 50,000 का, नोट कर लेना, पहले 5 लाख का 40% निकालना कितना आ जाएगा 2 लाख, फिर 5 में से 2 लाख माइनस कर देना 3 लाख आ जाएगा, 3 लाख में से जो आपका 50,000 लॉस है वो माइनस कर देना तो कितना आएगा 250। ठीक है, 250 और 2 में डिफरेंस कितना है 50,000 का। ठीक है, आंसर 3 इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।